बागली के जटाशंकर तीर्थ पर शनिवार को औरा नवमी महोत्सव पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। ब्रह्मलीन संत केशवदास जी त्यागी महाराज द्वारा स्थापित परंपरा अनुसार अन्नकूट महोत्सव का यह 56वां वर्ष था। तीर्थ महंत बद्रीदास जी महाराज के निर्देशन में पंडित चंद्रशेखर जोशी के आचार्यत्व में भगवान जटाशंकर महादेव और अन्य देवी देवताओं का विशेष पूजन कर विश्व कल्याण, क्षेत्र की समृद्धि और आरोग्यता की सामूहिक प्रार्थना करी। अभिजीत मुहूर्त में भगवान की महाआरती संपन्न की गई। तत्पश्चात भगवान को विविध व्यंजनों सहित 56 भोग अर्पित किए गए। उक्त विशाल भंडारे में बागली नगर सहित आसपास के क्षेत्र से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर प्रसादी ग्रहण की। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। आंवला नवमी को शास्त्रों में अक्षय नवमी कहा जाता है और आंवला नवमी के शास्त्रों में विशेष महत्व है। इसी उद्देश्य से हमारे गुरुदेव जटाशंकर कीर्ति के संस्थापक संत श्री केशवदास जी त्यागी बिलारी बाबा ने आंवला नवमी पर अन्नकूट महोत्सव की शुरुआत करी थी। ये आंवला नवमी पर्व का 56वां वर्ष है। इसमें भव्य भंडारे का आयोजन किया जाता है। करीब इसमें बागली सहित पूरे क्षेत्र के श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। आयोजन में भगवान को 56 भोग और अन्य आयोजन भी यहाँ पर किए जाते हैं। इस वर्ष चूँकि पिछले वर्ष कोविड-19 के प्रकोप के कारण भंडारा नहीं हो पाया था, इसलिए इस बार श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला और महंत बद्रीदास जी महाराज के निर्देशन में यह आयोजन किया जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।